हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ये मेरा टोटल वीडियो नंबर 118 है। चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 19 हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज टॉपिक होगा व्हेन रिजर्व्स आर टू बी सोन इन द न्यू बैलेंस शीट। लेक्चर नंबर 18 में आप मेरे साथ पढ़े थे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक रिजर्व का, वो भी तब जब न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। और आज का टॉपिक दूसरा वाला है। दो ट्रीटमेंट होता है रिजर्व का, या तो उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं या दिखाते हैं। ये वाला मेरा जो टॉपिक है व्हेन रिजर्व्स आर टू बी सोन इन द न्यू बैलेंस शीट, मतलब आपको न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है। जरा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। समटाइम्स पार्टनर्स डिसाइड डैट नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स बट टू सो इन न्यू बैलेंस शीट, मतलब वो डिसाइड करते हैं कि जो मेरे पास रिजर्व्स पड़ा हुआ है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें, उसको न्यू बैलेंस शीट में हम दिखाएं, यानी कि हम ट्रीटमेंट करें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके। पहली बात तो आप जान लीजिएगा, नोट में कहीं लिख भी लीजिएगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप पहला वाला ही मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, मतलब रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, मतलब रिजर्व को न्यू वाले बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, या ऐसा बोला है कि इसको नया वाला बैलेंस शीट में दिखाना है, या ऐसा बोला है कि रिजर्व को बांटना नहीं है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, मतलब बहुत सारे नामों से इसको बोला जाता है, मतलब दैट इज नॉट टू ट्रांसफर इट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी हो, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, मतलब जो भी सिचुएशन हो बच्चे, ये तीनों में से कोई भी बात लिखा रह सकता है आपके क्वेश्चन में, आपको अकॉर्डिंगली फॉलो करना है। मतलब नोट एकदम क्लियर है, आपके दिमाग में बैठ गया कि क्वेश्चन में जब तक नहीं बोला जाए, लेक्चर 19 जो आज का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसको फॉलो आप नहीं करेंगे, पीछे के जो लेक्चर आपने पढ़े उसी को फॉलो करेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है तो आप इसको फॉलो करेंगे। जरा देखिएगा एंट्री क्या होगा, एडजस्टमेंट एंट्री। अगर आपके बैलेंस पॉजिटिव आते हैं, मतलब नेट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट आता है, वैसी स्थिति में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट होगा। ये चीजें, ये जो बात मैं पढ़ा रहा हूं, ये आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी आपको मैं पढ़ा चुका हूं। दूसरा, अगर आपको लॉस हो जाए, नेट एक्युमुलेटेड लॉस हो जाए, यानी निगेटिव बैलेंस हो जाए एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का, वैसी स्थिति में आप एंट्री पास करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट डीआर टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट। ये कैपिटल और करेंट फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के कारण होता है बच्चे, ये एंट्री तो होता है। खैर, मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करूंगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक ठो बना लेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट दूर हो जाएंगे, सॉरी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मतलब सारे दुख दूर हो जाएंगे आपको। ठीक है बच्चे, जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जरा देखिएगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी आर एस फॉलो, जरा देखिएगा। क्रेडिटर्स दिया हुआ है 20,000, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 53,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 10,000, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 15,000, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व 25,000, दोनों पार्टनर का कैपिटल 32,000, कैश 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, मशीनरी 32,000,
इन्वेस्टमेंट 28,000, स्टॉक 15,000, डेटर्स 56,000, पीएनएल अकाउंट एसेट साइड में है, इसको हम लोग पेंसिल कहा गया, इसको हम लोग डेबिट बैलेंस बोलते हैं, याद रखिएगा बच्चे, इसको हम लोग डेबिट बैलेंस बोलते हैं, मैं बहुत बार बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 4,500 और पीएल डेबिट 14,500, ठीक है। On 1st April, they decided to admit C as a new partner and the new profit sharing ratio is agreed at 2-3-1. Partner decided to show accumulated profit losses reserve in the balance sheet of the reconstituted firm. Reconstituted firm ke balance sheet matlab new balance sheet. Reconstituted firm ke balance sheet ka matlab hota hai bache new balance sheet mein dikhana. At their original value, jo वैल्यू यहां नजर आ रहा है रिजर्व का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चे, उस पर लिखाना, ठीक है। जरा हम लोग देखते हैं आगे क्या बोलता है क्वेश्चन। पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस और रिजर्व्स, एज्यूमिंग नो लायबिलिटी इज एक्सपेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एज्यूम टू बी इक्वल। वैसे क्वेश्चन में नहीं बोलता तो हम एज्यूम करते कि कोई लायबिलिटी नहीं है और मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर ही है। अगर क्वेश्चन नहीं भी बोलता तो हम इसी को फॉलो करते हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन क्लियरली बोल देता है कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है और ये भी बोल दिया कि कोई क्लेम नहीं है और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट के बराबर है, इन दोनों को नहीं भी बोलता तो यही चीज फॉलो करते जो लाइन लिखा हुआ है। खैर हमको उससे मतलब नहीं है, हमको इस लाइन के लिए ये पेज हम आपको दिखाए हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, देखे ना। मतलब इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला है बच्चे कि आपको एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है इन सारे चीजों के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपने इसमें गौर किया होगा कि बहुत सारी लायबिलिटी में जो आइटम्स है रिजर्व के, बहुत सारे रिजर्व दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को बनाने से आपके सारे कॉन्सेप्ट दूर हो जाएंगे। आपको रिवाइज भी करना होगा तो इसी क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोजू ढूंढू, कहीं कहीं से बुक ही में ढूंढता हूँ बच्चे, और मैं आपको बता दूं ताकि आपको परेशान ना हो। खैर ये एंट्री तो आप समझ गए हैं, जरा हम लोग एक बात सीख लेते हैं तब हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। नोट लिखेगा, टू पास एंड अबव एडजस्टमेंट एंट्री द फॉलोइंग स्टेप्स आर नीडेड। क्या स्टेप्स आपको चाहिए जरा देखिएगा। स्टेप वन में क्या करेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे। मैंने पहले ही बताया बच्चे, कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस अगर है तो, और रिजर्व अगर है तो रिजर्व्स, ठीक है। स्टेप टू में बच्चे आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेट द गेन और सेक्रीफाइस ऑफ ऑल द पार्टनर्स including new partners। सबसे पहले एक बात तो दिमाग में रख लीजिए कि जो नया पार्टनर एडमिट होगा बच्चे, वो हमेशा गेन करेगा, उसमें तो कोई सवाल ही आपको नहीं पूछना चाहिए, मैं बार बार बताता हूं ये बात। खैर स्टेप थ्री में क्या करेंगे भाई, ये अबव एंट्री पास कर देंगे, पास एंड अबव
एडजस्टमेंट एंट्री, जो भी सिचुएशन होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वैसे तो मैं ये स्टेप लिखवा दिया, वैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, इसी स्टेप को फॉलो करते हुए मैं क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है बच्चे, नोट कर लिए? आइए ना जरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, अपने दोस्तों को भी बताएं अगर आपको पसंद आ रहा है तो। आइए सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले स्टेप वन में हमने आपको क्या बताया था, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स। आप स्टेटमेंट एक ड्रॉ कर सकते हैं, जब भी स्टेटमेंट की बात आती है तो कुछ इसी प्रकार से स्टेटमेंट होता है, सिंगल लाइन वाला। जरा क्वेश्चन में रिजर्व देख लीजिए, देखिए बच्चे आपको क्या क्या रिजर्व नजर आ रहा है। जनरल रिजर्व नजर आ रहा है, तो आप यहां पे नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, आइए नजर आ रहा है यहाँ, चलिए यहां देखिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ जनरल रिजर्व नजर आ रहा है, आप यहाँ पे लिखते जाइए जनरल रिजर्व। ठीक है बाबू, 53,000 का दिख रहा है। उसके बाद सेकंड वाला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख रहा है, क्योंकि आपको कोई मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ था, तो हम स्पेसिफिक रिजर्व को भी यहीं पर ले जाएंगे बच्चे। ठीक है 10,000, कोई क्लेम नहीं था तो हम ये भी एक स्पेसिफिक रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इसे भी ले जाते। कोई क्लेम होता तो हम उस क्लेम को देखते, 15,000। कॉन्टिंजेंसी रिजर्व भी जाएगा बच्चे, सिर्फ इम्प्लाई प्रोविडेंट फंड नहीं जाता है, याद रखिएगा। नोट में मैंने आपको लिखवा भी दिया है पीछे के लेक्चर में। तो कॉन्टिंजेंसी रिजर्व दिया हुआ है 25,000। ये सारे लायबिलिटी के पार्ट है, तो सबसे पहले आप लायबिलिटी के ही पार्ट को लिखेंगे, उसके बाद देख लीजिए हम दो चीज लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट भी देख लीजिए, मैं हटा रहा हूं एक्चुअली, और लेस वाला आइटम है, एड वाले आइटम तो बस इतने ही होते हैं बच्चे, जो मैंने आपके स्क्रीन पे लिखा है। जरा समझते हैं कॉन्टिजेंसी रिजर्व क्या होता है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी आप समझते होंगे, वैसी लाइबिलिटी जो हो भी सकती है और नहीं भी होती है। जैसे आपने कहीं से सामान मंगाया है, लेकिन आपके पास सी से मंगाया, सी में सिप से मंगाया, सिप से पानी वाले जहाज से आपने मंगाया है, फॉरेन कंट्री से, आपके गुड्स आपके पास अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन वो जो पार्टी से आपने परचेस किया है उसने बोला है कि हमने गुड्स डिस्पैच कर दिया है, मुझे पेमेंट कर दीजिए। आपने बोला कि मुझे नहीं मिला है, मिलेगा तब पेमेंट करेंगे, लेकिन भविष्य में भी आपको भी नहीं मिलता है, हो सकता है कि समुद्री डाकू ने, लुटेरे ने उस शिप को लूट लिया हो, जो भी सिचुएशन हो, पार्टी ने केस कर दिया आपके जिसे आपने परचेस किया था कि मेरा पेमेंट करो। आप केस डिफेंड कर रहे हैं कि मुझे तो गुड्स मिला ही नहीं, अब क्या बातचीत हुआ है, एग्रीमेंट क्या हुआ है वो दूसरी बात है। लेकिन अगर आप केस हार जाते हो बच्चे, और वो शिप के जो गुड्स हैं उसके वैल्यू के आपको पेमेंट करना पड़ जाता है, तो वैसे स्थिति में वो आपका लायबिलिटी बन जाता है। लेकिन जब तक वो केस आप हारते नहीं हैं, पेंडुलम की तरह लटक रहा है, केस हार गए तो लायबिलिटी नहीं हारे,
तब तक वो कंटिजेंट लाइबिलिटी है। कंटिजेंट लाइबिलिटी का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपके साथ हम अभी शेयर किए हैं। तो उसी कंटिजेंट लाइबिलिटी के लिए कंपनी क्या करता है, एक रिजर्व तैयार कर देता है कि मान लो अगर केस हार जाते हैं तो मेरा लाइबिलिटी हो जाएगा और उस लाइबिलिटी का पेमेंट हमको करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे फंड की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना हम इस कंटिजेंट लाइबिलिटी के लिए एक कंटिजेंट रिजर्व ही तैयार कर ले कि अगर केस हार गया तो ठीक है हम पे कर देंगे इस रिजर्व के पैसे से, नहीं हारे तो ठीक है। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी का यूज तभी होगा जब आप केस हारेंगे, मतलब कंटिजेंट लाइबिलिटी जब एक्चुअल लाइबिलिटी में कन्वर्ट होगा। फिलहाल के लिए तो ये रिजर्व का यूज नहीं हुआ तो पार्टनर इसको बांट लेगा आपस में। खैर ये सारे ऐड वाले थे आइटम, अब लेस वाले आइटम भाई जो एसेट्स में होते हैं ध्यान दीजिएगा। आपने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एसेट साइड में अगर आता है तो डेबिट बैलेंस होता है बच्चे, ये 14,500 था, आप इसको लेस करेंगे, लेस करने के लिए आप ब्रैकेट में लिख दो यहां पे। और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था बच्चे, इसको भी आप लेस करेंगे, कोई इफ एंड बट नहीं, अपने दिमाग में नहीं लाएंगे इफ एंड बट। ये जो इफ एंड बट का प्रॉब्लम है ना, जब आप बचते रहेंगे तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, अगर इफ एंड बट के चक्कर में पड़ गए तो बड़ी परेशानी हो जाएगी आपको। तो खैर ये लॉस वाला आइटम है इसलिए हमने लेस कर दिया। अब हम नेट इफेक्ट डालेंगे, निकालेंगे अपने एडिशन वाले पावर का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आप लोग इतने दिन से 11th और से 12th में चले गए हैं, आपके एडिशन वाले पावर बहुत स्ट्रांग हो गए होंगे। अगर नहीं स्ट्रांग हुए हैं तो सबसे पहले तो भाई एडिशन वाले अपने पावर का इस्तेमाल करना सीखिए, उसको स्ट्रांग कीजिए, तब जाके बात बनेगी बच्चे। ये 84,000 मेरा आया, ये वो भी प्लस में आया, अगर माइनस वाला ज्यादा होता तो ये माइनस में आता, ठीक है। मैंने कैलसी का यूज किया और आप मुंह से ऐड कीजिएगा क्योंकि सीबीएसई बोर्ड अलाउ नहीं करता है कैलकुलेटर कैलसी का यूज करने का। नेट इफेक्ट आपका 84,000 आया जो कि पॉजिटिव आया, अगर ये माइनस वाला अधिक होता तो ये निगेटिव आता, तो जब निगेटिव आता तो इसकी एंट्री होती सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर, चूंकि ये पॉजिटिव आया है तो इसका एंट्री गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा। आइए स्टेप नंबर 2 में मैंने आपको बोला था कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस या गेन दोनों से कोई भी हो सकता है एंड गेन। आपने क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था कि सी हमेशा गेन करेगा, कोई सवाल ही नहीं है। ओल्ड शेयर बच्चे ए और बी का 4:3 था, सी तो ओल्ड पार्टनर था ही नहीं। न्यू शेयर बच्चे इनके नहीं दिए हुए थे 2:3:1 एकदम क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ था बच्चे। अब जरा देखिए बच्चे, थोड़ा आप क्या कीजिए, इसको ओल्ड शेयर को फ्रैक्शन में लिख दिए, जब भी फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख देते 7 और 3/7, यानी मैं आपको जरा यहां पे बता दूं, जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, 4:3 का मतलब 4/7 और 3/7 होता है, इसको आप इसी तरह लिखते हैं, आप सीखे होंगे जब मैं आपको पढ़ा रहा था। लाइक फ्रैक्शन है तो नीचे नीचे कट जाता है तो ऊपर वाला लिख देते हैं, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहां पे भी हम वही करने जा रहे हैं 2:3:5:1:6/6/1/6, ताकि मुझे सब्ट्रैक्ट करना, एक्चुअली मैं आपको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल रहा था तो स्टेप में लिख दिया ताकि आपको मजा आ जाए। डिफरेंस हमेशा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, आपको याद होगा मैं ये बहुत बात आपको सिखा चुका हूं कैसे आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे। आप जरा घटाइए इन दोनों को, तो 4/7 - 2/6, आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे लाइन डॉक कर दे तो लो लाइन ही डॉक कर दो, तो स्केल नहीं यूज किया, लाइन टेढ़ा हो गया। खैर पेंसिल का यूज कीजिएगा। आइए यहाँ पे घटाएंगे 3/7 / 3/6, बहुत जोरों से मुझे सर्दी हो गई है, पानी में भींग गया वो लगता है। चलाइए
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, 42 हो गया तो 6 4 जा 24 माइनस 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा 7 6 जा 42, ये भी हो जाएगा बच्चे 6 3 जा 18 माइनस 21, यहाँ पे भाई निगेटिव 1 बाई 6 ही लिख दो कैलकुलेट करके। आगे बढ़ते हैं, जरा कैलकुलेशन चेक करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बताइए जरा इसको घटा के कितना आएगा। और यहाँ पे आप गौर किए होंगे ये 18 माइनस 3 बाई 42 आ गया, और यहाँ पे तो आप देखें ही है माइनस 1 बाई 6 है जरा, इसको 42 में कन्वर्ट करने के लिए 7 बाई 7 कर देते हैं लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, तो ये आपका माइनस 7 बाई 42 हो जाएगा बच्चे। ये दोनों बराबर है माइनस 7 बाई 42 या माइनस 1 बाई 6। तो मैं तो आपको एक बात बता दूं, जो माइनस में आता है ना बच्चे ये गेन करता है, ये दोनों तो गेन करेगा। मैं पहले ही बताया न्यू पार्टनर हमेशा गेन करता है, लेकिन कभी कभी होता है क्या है ओल्ड पार्टनर भी गेन कर जाता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बताया हूं, अब जरा एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ओल्ड पार्टनर्स भी गेन कर जाते हैं। अब आते हैं बच्चे एंट्री पे आते हैं, सारे काम हो गए, थर्ड वाला काम हम करेंगे, अब जरा थर्ड वाला काम हम लोग करते हैं। आइए तीसरा काम करना है, चूंकि हमारा पॉजिटिव बैलेंस आया था तो गेनिंग पार्टनर होगा, तो गेनिंग पार्टनर बी और सी है, तो आप एंट्री करेंगे जो भी डेट होगा, जैसे 1/4/2019 दिया हुआ था तो आप यही डेट डालेंगे। 20 कैपिटल अकाउंट डीआर और सी कैपिटल अकाउंट डीआर, ये दोनों गेन किया। कैपिटल हमने इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो हम फ्लक्चुएटिंग मानेंगे और कैपिटल लिखेंगे। टू एस कैपिटल अकाउंट जो सेक्रीफाइस किया उसको नीचे लिख देंगे बच्चे। नरेशन लिख देंगे एडजस्टमेंट ऑफ, चूंकि एडजस्टमेंट हुआ है क्लोज नहीं है, तो एडजस्टमेंट मेड फॉर एक्यूमुलेटेड जो भी आइटम है सारा लिख देंगे, हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी था, लॉसेस भी थे, एंडिजर्स भी थे, जो भी आइटम है लिख दिए हमने, ठीक है। नरेशन लिख दिए, फॉर्मेट आप ड्रॉ खुद से कर लीजिएगा। अब जरा अमाउंट की बात आते, रेड पेन से हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। मेरे पास 84,000 आया था, तो 84,000 इंटू बी का शेयर आया था, यहाँ देखो माइनस 3/42, तो 3/42 लिखेंगे। सी में 84,000 इंटू, यहाँ पे देखो 7/42, अब यहाँ 7/42 लिखो या 1/6 लिखो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आंसर आता। ए के लिए देखिए भाई 84,000 इंटू 10/42, ठीक है, ये हमेशा कर देंगे। 42 का खासियत ये है कि ये बड़ा जल्दी यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, 42 2 जा 84 होता है शायद, 2 जा 4 42 जा 8, सही है ना। तो यहाँ पे आया 6,000 मेरे प्यारे दोस्त, और ये आया 72 जा 14,000, और ये 20,000। ऐसा करते हैं आप समझ गए होंगे, अगर इसी क्वेश्चन को बच्चे दिया रहता कि नहीं इसको क्लोज नहीं करना है, सॉरी न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, इसको क्लोज कर देना है, तब कैसे करते। सेम क्वेश्चन को हम केस वन के अनुसार बनाते हैं, सेम क्वेश्चन को हम केस वन के तरीकों से बनाते हैं। व्हेन रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस आर टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेट इज नॉट टू बी shown in new balance sheet। New balance sheet का मतलब होता है बच्चे reconstituted balance sheet, और ये topic था when reserves are to be shown in the new balance sheet, और हम बता रहे हैं फिर से इसी को दूसरे केसेस से, यही सेम क्वेश्चन को हम
पहले वाले केस से हम बता देते हैं ताकि और आपका कंपैरिजन हो जाए। तो सबसे पहले तो हम क्लोज करना शुरू करेंगे, तो जितने भी रिजर्व आप देख रहे हैं लायबिलिटी वाला साइड वाला जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डीआर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स अकाउंट डीआर कॉन्टिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डीआर, ये सारे हो गए डेबिट। ठीक है, चूंकि इसको क्लोज कर देना है तो पुराने पार्टनर्स के बीच में जाएगा, हमेशा याद रखिएगा O3 का कॉन्सेप्ट। पुराने चीजों पे पुराने पार्टनर्स का पुराने रेशियो में अधिकार होता है। ठीक है, जनरली जब आपको दिया हुआ था 53,000, ये 10,000 था, 15,000 था, 25,000 था और ओल्ड रेशियो 4:3 था। जरा जोड़ते हैं, 53,000 अपने दिमाग को खोल लो, एडिशन पावर का इस्तेमाल करो, जादुई शक्ति जो आपने छुपा कर रखा है। 1,03,000 आ रहा बच्चे, ये 1,03,000 को आप इस रेशियो में बांट दो, तो इसके लिए आप 7 से डिवाइड करेंगे और जो आएगा इनटू 4 कर देंगे। अगर डेसिमल में आएगा तो डरने की बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, तो एकदम नहीं डरेंगे, आप बहुत तेज बच्चे हैं। ठीक है, 4,4,1,4,3, ठीक है बच्चे, ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेडेशन लिख देते हैं, रिजर्व्स एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस आर ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और लॉसेस वाला आइटम है उसको पार्टनर्स में डालेंगे तो लॉस के कारण पार्टनर्स का कैपिटल घट जाएगा और घटेगा तो वो डेबिट हो जाएगा। मैं सारा सिखा चुका हूं, बस मैं एंट्री कर दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, एक बार और आपका रिवाइज हो जाएगा, समझ रहे ना, कंसेप्ट सिखा दिया हूं। ये लॉस है उसको क्लोज कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेंस था डेबिट वाला आइटम क्रिएट हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी एक्सपेंस का आइटम है, लॉस वाला आइटम है, ये डेबिट वाला आइटम है, इसको क्लोज करेंगे तो क्रेडिट होगा 14,500, ये था और ये 4,500 था, 14,500 प्लस 4,500 19,000 आया। इसको फिर से 4:3 बांटेंगे, डेसिमल में आएगा तो घबराना नहीं है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि डेसिमल में आ जाए। और एक बात और बता दूं कि यह बहुत लकी स्टूडेंट्स है कि इस बार सीबीएसई बोर्ड सिलेबस भी हो सकता है कि रिड्यूस करे, 8,143 होगा ये, सॉरी 8,143। और मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चे, ये आइटम आप जो देख रहे हैं इसकी नेडेशन होगी 1,03,000 या ट्रांसफर भी लिख सकते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बाबू, ऐसा करते हैं, कंपेयरिंग आप सीख चुके हैं अच्छे तरीके से, आपको आ गया है, समझ रहे हैं, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं सर इनकी कंबाइंड इफेक्ट
तो वही आना चाहिए, ये वाला जो आपने बनाया है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भविष्य में, क्योंकि ये आएगा। अब ये क्लोज कर दिया और यहाँ पे आप क्लोज नहीं किए हैं, आप गौर किए ना, यहाँ पे आप क्लोज नहीं किए हैं तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग किए हैं, और यहाँ क्लोज कर दिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब वो भविष्य में क्लोज होगा तो वहां से आप कंपेयर कर सकते थे भविष्य वाला फिगर लेके। खैर, ये कॉन्सेप्ट रिजर्व का मैं आपको द एंड कर दिया, खत्म कर दिया। अब इस चैप्टर का मैं रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट मैं कल के लेक्चर से शुरू करूंगा। आप वैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेरे साथ रिजर्व के कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू। प्लीज लाइक करना ना भूले, शेयर करे, कमेंट करे, जरा मुझे मोटिवेट करे। बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो बच्चे मेरे को देख रहे हैं, मेरे को बता रहे हैं, कोई क्वेश्चन भी पूछता है मैं उनको जवाब देता हूं। आप भी उसमें से हो सकते हैं, आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है। ठीक है बच्चे, थैंक यू, बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। थैंक यू ऑल।